यहाँ पे करने वाले मैथ का प्रोजेक्ट आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। और ये हो सके तो आप सब भी ट्राई करना, आपसे भी इजीली बन जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ सीट की जरूरत होगी, A3 और A4 साइज सीट की जरूरत होगी, और कुछ कलर पेपर, ठीक है। कलर पेपर कोई सा भी ले सकते हो कटिंग करने के लिए, शेप के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ईजी अगर मैं आपको बताऊँ तो आप दो प्लेट ले लेना, कोई भी दो प्लेट। उससे क्या होगा, आपका सर्कल इजीली बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक प्लेट मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और उससे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो किसी भी चीज के लिए। ठीक है, सर्कल बना दिया। इस हिसाब से मैं इसकी कटिंग यहां पे करूंगा, देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पे इसकी कटिंग करी जा रही है। इसको भी एक सर्कल हमने बना लिया। हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे सर्कल की शेप में, ठीक है, यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हम हर तरह की शेप को लेंगे, इसके अंदर से हम हर तरह की शेप बनाएंगे, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, जितनी भी शेप होती है हम कोशिश करेंगे हर शेप बनाएंगे। तो और देखो, जहाँ रखना है चीज़ का, जो शेप का जो साइज होगा इससे ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा होगा तो वो आ नहीं पाएगा, हमें इससे छोटा बनाना है। सारी शेप जो होंगी इससे छोटी होंगी, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे कुछ भी हो, तो हर तरह की शेप बनाएंगे और कटिंग करेंगे, ठीक है। और देखते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो अगर आप कोई भी शेप बनाओगे तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, उससे कम ही होगा, 4-3 तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाता है, स्क्वायर बना के दिखाता हूँ आपको, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं ताकि ईजी रहेगा। अब आप देख सकते हो हर तरह की शेप हमारे पास कट गई है, तो हम इसको यहाँ पे चिपकाना शुरू करें। बच्चों ने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर को, ठीक है। इसके देखो 6 साइड है तो हेक्सागन हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, हेक्सागन। अब हमारा ये देखो 1, 2, 3, 4 हो गया। अब 1, 2, 3, 4 यहाँ लगाऊंगा, और ये हमारा लास्ट बचा है सेमी सर्कल, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको बना दिया, देखो, समझ लिया बच्चों, इस तरीके से करना है। और उसके अंदर हम कटिंग करेंगे, कटिंग इस तरह से करेंगे इसके अंदर जो वर्ड लिखे ना वो दिखे। तो हम यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिख दिया। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे इस तरह की कटिंग करने की, वो स्क्वायर हमें क्या करे बच्चे दिखाई देगा, देखो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे इसके अंदर यही शेप इसके अंदर बनानी है, ठीक है। देखिए बच्चों ऐसी शेप करनी है, देखो ये अभी भी हट जाएगा, दिख रहा है ट्रायंगल। इन सबके नाम लिख देना इन सबके सामने, और कुछ नहीं करना। तो ये देख सकते हो, सबको दिखाई दे रही है बच्चों, सारी शेप हो गई है, सबके नाम भी लिख देने, और नाम पे ध्यान देना, फोकस करना, नाम गलत ना लिख देना। नाम को हर शेप के हिसाब से, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इस हिसाब से लिखना है कि अगर कोई भी शेप जैसे दिखे साफ साफ, मैं यहाँ पे करूँ, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ तो दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, हेक्सागन, हर शेप आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेपर को मोड़ के दो इस तरह पेपर को मोड़ के दो रोल बना लेने, इस तरह से दो रोल हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये काम आएंगे हमारे। और हमें इसको घुमाना है, हम ऐसे भी घुमा सकते हैं या फिर ये लगा के भी इसको घुमा सकते हैं पाइप को, अभी जैसे मर्जी। बच्चों ये हो गया, हमने इसकी सेप कुछ डाल दिया, और जो हमारा प्रोजेक्ट है बच्चों कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो, ये देखिए ये कौन सी सेप हेक्सागन है, ये कौन सी सेप नहीं पता, इसको घुमाएंगे, ये देखिए क्या आएगा हमारा स्टार, बन चुका हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको देखो स्क्वायर की शेप है, देखो स्क्वायर, ये हमारा कौन सा स्टार है ना, देखो यहाँ से घुमाऊंगा, क्या लिखा आ रहा है स्टार, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है हेक्सागन, इसको घुमाऊंगा, देखो यहाँ से हेक्सागन, फिर नीचे ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम हमारा आ जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। हर तरह की शेप आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी आप घुमाओगे हर तरह की शेप आपको यहाँ पे नाम लिखे सारी शेप के नाम मिल जाएंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है।